स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में स्वागत है। आज हम छठी से आठवीं क्लास की मैथ की वर्कशीट नंबर 65 जो कि 18 तारीख के लिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे ऊपर आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब हम वर्कशीट पर चलते हैं। इस वर्कशीट में हम जो दूरी मापने के पैमाने हैं उस पर चर्चा करेंगे, यानी पैमाना क्या होता है और दूरी को कैसे मापते हैं उस पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं और कुछ आपके प्रश्न हैं, उसको पढ़ के और उन प्रश्नों का उत्तर फिर जवाब देंगे। तो चलिए, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से, जैसे दूरी मापने के लिए कई पैमाने हैं। जैसे कोई भी चीज़ की दूरी जब हम मापते हैं उसके कई पैमाने, पैमाने मतलब एक निर्धारक, एक मापक होता है, जैसे कि किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, फुट हो गया, इंच हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पैमाने हैं। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दूरी को मापने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, यानी कैसे मापते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम मेरे घर से किसी दोस्त का घर, मेरा घर यहाँ है, दोस्त का घर यहाँ, तो हम कहते बस घर से चार कदम चलिए उसका घर आ जाए, तो हम यहाँ किलोमीटर नहीं बता रहे हैं, चार कदम कहेंगे, दस कदम से दाहिने मुड़ जाइए किसी को रास्ता में, मतलब हम क्या बोलते हैं, दस कदम बोलते हैं, यानी कि कदम है ये बस 500 मीटर है, तो हम मीटर बोले हैं। तो या अगर सपोज करिए कि आप मेज हैं, मेज पर दो किताबें हैं, दो किताबों के बीच कितनी दूरी, तो आप इसमें एक किलोमीटर है, तो आप बताएंगे कितनी भी, एक फीट है, एक फीट दूरी है, ये चीज़ें हैं। सुई की घड़ियों के बीच कितनी दूरी है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इंच में करेंगे, मापेंगे। तो ऐसे स्थिति के हिसाब से और वह चीज़ जिसके आप मापन कर रहे हैं कहाँ पे स्थित है और दूरी क्या है, उस हिसाब से पैमाने का प्रयोग करते हैं। अब चलिए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं, क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज हम अपने घर के कोई एक दीवार हाथ से नापिए और हाथ माप कीजिए और उसे नोट कर लीजिए और अपनी अगली कक्षा में जाने के लिए वही दोहराइएगा, फिर दोनों बार की दूरी का अंतर था इसका कारण समझिएगा। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं, अन्य कई आकृतियां भी हैं, आपस में उनके कदमों की दूरी के हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। अब यहाँ चित्र में दो हैं, एक देवेश है, एक सुलेखा, और इनके बारे में क्या कहीं बातें कही गई हैं और हम उसको जानते हैं। अब देखिए, सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितनी है, ये हो गया। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा, अब ये तो प्रश्न है, लेकिन इसके उत्तर कहाँ मिलेंगे। अब चलिए नीचे चलते हैं और पूरे उसको देखते हैं, यहाँ आपको देखिए उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखिए, ये सुलेखा का घर है, सुलेखा, और ये देवेश का घर है। हम प्रश्नों के उत्तर देंगे धीरे धीरे कि सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितनी है। तो देखिए, सुलेखा का घर यहाँ है और देवेश का घर यहाँ है, तो कितनी दूरी है, 125 कदम यहाँ दिया गया है। इसके घर से देवेश के घर की दूरी 125 कदम है। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा, अब ये आप खुद बताएंगे, ये देवेश का घर है, ये स्कूल बस है, तो कदम यहाँ दिए गए कितने कदम हैं ये आप खुद बताइए। स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है, अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। हाँ, ये देवेश का घर है, यहाँ से इतनी दूर चल के ये बस पकड़ता है, ये कितने कदम है ये दिया गया है, और बस से इसका विद्यालय कितनी दूर है, इतने कदम है। तो यानी देवेश को यहाँ से ले कर यहाँ तक चल के तब विद्यालय जाना पड़ेगा, तो इसको और इसको हम जोड़ेंगे। अब जोड़िए, प्लस 178। अब आपको इसका जोड़ निकालना है, हमें आशा है सभी बच्चों को जोड़ना आता होगा, तो इसको आप हम जोड़ेंगे और जोड़ के निकालेंगे। इसका जोड़ मैं नहीं बताऊंगा, जिस बच्चे को दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या अपने क्लास टीचर से अपने क्लास ग्रुप में पूछ सकते हो। बहुत अच्छा है, जैसे कि 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना होगा, 8 2 10 1 11, 1 आपका हासिल हो गया, 7 1 8, बाकी ऐसे आप जोड़ लो। अब तो मैंने बहुत आसान कर दिया, अब बच्चे जोड़ लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से
बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? अब देखिए, सुलेखा कितनी दूरी तय करती है? 567 कदम। बस कितनी दूरी तय करती है? 803। यहाँ आपको क्या करना है, 803 से 567 को घटा देना है। यहाँ आ जाएगा 13, 13 में से 7 गए कितना बचा? 6। ये 9 बच गया, 9 में से 6 गए 3। बाकी यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा था 7, 7 में से 5 गए 2, तो 236 कदम ज़्यादा तय करना पड़ता है। अब आगे चलिए, ऊपर के भी प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? अब देखिए, सुलेखा के घर से विद्यालय कितना दूर है? 567, और देवेश के घर से 803 प्लस 178। हाँ, नौ सौ इक्यासी कदम। अब 981 में से आपको 567 को क्या कर देना है? घटा देना है। तो 11 में से 7 गए कितना होगा? 4। ऐसे आपको घटाना है, यानी 981 में से 567 घटा देंगे, जितने कदम बचेंगे वही अंतर है। अब देखिए, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुँचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? अब ये घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ रहा है, यही आपको लिखना है। तो घड़ी का समय बच्चों आप खुद बताएंगे, जैसे ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, और ये सेकंड की सुई है। तो घंटे की सुई 12 पे जाने वाली है, यानी 11 बज गए हैं, 12 बजने वाला है, और ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 मिनट भी हो चुका है, 40 मिनट के कुछ और आगे हो गया है। तो ऐसे आप करेंगे, ओके बच्चों। अब देखिए, यदि एक ही समय पर देवेश समय पर और एक ही गत से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चल पड़े तो कौन पहले कौन पहुंचेगा? अब देखिए, ये बच्चों को 999 कदम चलना पड़ रहा है और देवेश को 981, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? देवेश, क्योंकि देवेश का ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 981। और इन बच्चों को 999 कदम चलना पड़ रहा है, यानी इनको अभी कितना कदम ज़्यादा चलना पड़ रहा? 18 कदम। 18 कदम ज़्यादा चलने का मतलब 18 कदम पीछे पहुँचेंगे। तो ये पूरी आपकी वर्कशीट थी, इसको दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए और अच्छे से सॉल्व करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपको एक और प्रश्न लिखना है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, लिखिए। अब आप देखिए, आप अपने विद्यालय से अपने घर या अपने घर से विद्यालय किस साधन से जाते हैं उसको आप लिखेंगे, और उस साधन से जाने में कितना समय लगता है? आप पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, पापा की बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, या बस से, स्कूल बस से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, कैसे जाते हैं आपको लिखना है, और आपके दोस्त किस से आते हैं उसको भी आपको लिखना है। तो सारे बच्चे इसे लिखेंगे, अपने टीचर से इसका मूल्यांकन करवाएंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको कोई और भी जानकारी लेनी है, कोई भी और चीज़ पढ़नी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसको आपको नए वीडियो के साथ वो टॉपिक आपके सामने ले आएंगे। धन्यवाद।